शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। बैठिए। कहाँ रहे थे इतने दिन पंडित जी? आप ही के काम में लगा हूं। ये लीजिए। पहले ने दिया 10, दूसरे ने दिया ये बंगला, तीसरा ले गया लंदन, अब लाया हूं ये चौथा बंधन। लड़की एक और चौथा रिश्ता। महान है देवी जी, आप भी महान है। कहां महान हूं पंडित जी, इस बार तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। लड़की पिछले 3 साल से लंदन में है और अब वो माँ भी बन चुकी है। आप ही ने तो कहा था ना कि ये लंदन वाले एनआरआई है मिस्टर पटेल बड़े भोले हैं, जल्दी टूट जाएंगे। कहां के भोले हैं और कहां टूटे? आप चिंता ना करें, इस बार थोड़ी देर हो गई है, माल बहुत बड़ा आने वाला है, तीसरा रिश्ता है ना, जल्दी निपटा दीजिए। चौथे पे ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा आसामी है। तो ठीक है, ये लीजिए आपका शगुन और ऐसी कोई पूजा कर दीजिए कि ये तीसरा रिश्ता फटाफट टूट जाए। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। आपरे अर्जुन को अगर काम ज्यादा था तो वहां बर्मिंगम में क्यों नहीं रुक गया? What are you talking about, Dad? अर्जुन भैया प्रीति बाबी के बिना कहीं रुक जाए? Impossible. शादी के बाद भैया ने आज तक भाभी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा है। हाँ हाँ, एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन जब साथ रहते हैं तो लड़ते रहते हैं। कल रात उनके कमरे में से ऐसे झगड़ों की आवाज आ रही थी कि हमारा बेचारा बेटा उठ गया। क्यों करण बाबा? वैसे है कहाँ आपके बेटे? रास्ते में M5 पर, अभी आता ही होगा। अभी उसका फोन आया था, काफी हड़बड़ाया हुआ लग रहा था। वो प्रीति को कुछ मेडिसिन चाहिए थी, कुछ कह रहा था मुझसे लेकिन बोलते बोलते रुक गया। प्रीति कहाँ है? अभी तो किचन में थी तुम्हारे साथ। हाँ थी तो मेरे साथ, शायद उसकी मम्मी का इंडिया से फोन आया है। मैं बुला के लाती हूँ। भाभी, सब आपका इंतजार कर रहे नीचे। No. भाभी, Don't say that. You don't love me. Oh my God. आप मुझसे प्यार नहीं करती। So this looks like a typical schizophrenia matter, doesn't it? Doctor sir. क्या आप श्योर है कि ये दवा आपकी बहू के हैंडबैग में से मिली है? जी। This medication is given to schizophrenic patients. What? Schizophrenic? Schizophrenic patient? पागल? जी हाँ, पागल। अगर समय पर ये दवा पेशेंट को ना दी जाए तो पेशेंट एक्सट्रीम डिप्रेशन में चला जाता है। एक बात बताइए, ये पेशेंट ये दवा कब से ले रही है?
20 साल से। सुधा It's all right, mom. Please don't cry. Preeti is innocent. उसने हमसे कुछ नहीं छुपाया है। शादी की पहली रात ही उसने मुझे अपनी इस बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था। आप लोग परेशान होंगे, इसलिए मैंने ये बात आप सब लोगों से छुपाई। भगवान को साक्षी मानकर मैंने उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया है। फेरों के बाद वो जैसी भी है मेरी पत्नी है, है ना माँ? हम प्रीति को इंडिया ले जाएंगे, अपनी माँ के साथ रहेगी, आबो हवा बदल जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो पागल तो है ही नहीं। रो मत मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। ड्राइवर। हाँ सर, आया सर। सामान गाड़ी में रखो। जी रुक जाइए, सामान मेरी गाड़ी में जाएगा, प्रीति और करण मेरे साथ जाएंगे। मॉम, ये प्रीति की मेडिसिन है, इन्हें टाइम पर देना बहुत जरूरी है। अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि मेरे बेटी का ख्याल कैसे रखा जाता है। नो थैंक यू, कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरी बेटी को पागल तुमने बनाया है। Do you understand that? करण को मेरे पास दे दीजिए बहन जी, वो मेरे बिना सोता नहीं है, रात को आपको परेशान करेगा। तो अब मुझे आपसे सीखना पड़ेगा कि बच्चे कैसे संभाले जाते हैं और उन्हें कैसे सुलाया जाता है, जिनकी कभी शादी नहीं हुई और जिनको कभी बच्चे नहीं हुए। चलो प्रीति। सुनिए सुनिए ना, मधु का फोन है। क्या जी? हेलो भाई साहब, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे आप लोगों से वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है भाई साहब कि मैंने करण को 2 महीने के बाद देखा, इसलिए होश में नहीं थी। जो भी मुंह में आया पक्ति चली गई। सच बात तो ये है कि करण दीदी को बहुत मिस करता है, और प्रीति अर्जुन को। मेरी तो आपसे यही विनती है भाई साहब, कि आप और भाभी कल मेरे घर पर आए और प्रीति और आपके करण को आप लोग साथ लेकर जाएं। आप सच कह रही? बिल्कुल सच कह रही हो भाई साहब, मैं आप लोगों का कल इंतजार करूंगी। न जाने सूरज आज कहां से निकला। ओहो, भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। अरे उसको सद्बुद्धि दे दी। अब मुझे लगता है कि इंडिया में रहने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। दीदी के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा है उसने। हमें आज इंडिया में आए हुए 15 दिन हो गए हैं। अर्जुन को उसने प्रीति से मिलने तक नहीं दिया है। 15 दिन से हमारा एक फोन नहीं उठाया उसने। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, और आपको भी उनके घर नहीं जाना चाहिए। उसको अगर बात करनी है तो यहाँ होटल में बुलाइए उसे। अरे सुधा, क्या फर्क पड़ता है? देखो तुम्हें ऐसे ये ईगो नहीं रखनी चाहिए। हाँ? आखिर हमारे बच्चों की खुशी के लिए ही तो है ना। देखो मैंने उसे कह दिया हम आएंगे, अब ऐसे में उसको यहाँ बुलाना ना 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 ठीक नहीं लगता। मुझे कोई ईगो नहीं है। हाँ लेकिन डर जरूर है, क्योंकि लोग अक्सर आपकी इसी भावुकता का फायदा उठाते हैं। दीजिए फोन। अरे सुधा,
अपने देश की मिट्टी की खुशबू की बात ही कुछ और। आपकी बातों से लगता है साहब आप इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरी उस घर में चलती तो मैं कब का सबको लेकर यहां आ गया होता। लीजिए सर आगे आपका समझाना। देखिए हम और अर्जुन प्रीति के बगैर नहीं रह सकते हैं, इसलिए प्लीज आप अब प्रीति को हमारे साथ भेज दीजिए। ठीक है आप पेपर साइन कर लीजिए और ले जाइए प्रीति। लेकिन ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। आप खफा बहुत जल्दी हो जाते हैं पटेल साहब। शक तो मुझे पहले से था लेकिन आज ये साबित हो गया है। साबित तो अब आपको करना पड़ेगा पटेल साहब, क्योंकि आपने और आपके परिवार ने मिलकर एक मासूम लड़की को दहेज के लिए इतना परेशान किया कि वो पागल हो गई। What nonsense! पागल तो वो पहले से थी। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आइए हम आपको एक हमारे दोस्त से मिलाते हैं। आइए भाई साहब। आपके बेटे की शादी को 7 साल नहीं हुए हैं और यह स्टेटमेंट है प्रीति का आपके खिलाफ जो खुद उसने अपने हाथ से लिखकर हमको दिया है। उसका आरोप है कि आप सभी ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया है। प्रीति को तो भूल जाइए भाई साहब, मेरी बात मानिए, ये स्टेटमेंट काफी है आपको दफा 498A के तहत गिरफ्तार करने के लिए, अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। What rubbish! इस स्टेटमेंट से क्या होता है? हमने आज तक कभी किसी से दहेज नहीं मांगा है। ये हिंदुस्तान है इंग्लैंड नहीं। यहां पर आप दहेज मांगो या ना मांगो, लड़की वालों ने एक इशारा कर दिया वही आपको अरेस्ट करने के लिए काफी है। ये भारत है, बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। यहां पर अदालतें हैं, कानून है और फिर हम जैसे लॉयर्स भी तो हैं। कौन सच्चा कौन झूठा ये कोर्ट तय करेगी। चलिए साइन कीजिए, लीजिए। मैं वो सारी जमीन गरीबों के नाम कर दूंगा लेकिन तुम जैसे ब्लैकमेलर्स के हवाले कभी नहीं करूंगा। रियली? ठीक है पटेल साहब, ये कागजात अब जेल में बैठकर आप ही बनवाएंगे और साइन भी आप ही करेंगे। दिल्ली पुलिस ने आज एक और दहेज के लालची एनआरआई को गिरफ्तार किया। अपने आप को यूरोप का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने का दावा करने वाले इस शख्स को दिल्ली पुलिस ने उस समय रंगे हाथ धर दबोचा जब वो दिन दहाड़े लड़की वालों के घर आकर बड़े दहेज की मांग कर रहा था। महिला आयोग और दूसरी महिला समितियों ने इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले ऐसी मांग की है। वाओ रेणुका, आपकी ब्रेकिंग न्यूज के बाद तो सारे चैनल्स उसी पटेल की न्यूज से खेल रहे हैं। Amazing reporting, I must say. Thank you. I was just doing my duty, sir. I've got something for you. Good work. Le lijiye, don't worry. Oh, come on, sharmaiye mat lijiye. 50,000 hai. Kya hua? Aapko kya lagta hai? Nahi, mujhe bataiye. Aapko kya lagta hai? Main akeli hoon. चैनल में इनपुट हेड है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, डेस्क पर 5 और बंदे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 50,000 में क्या होगा सर? यस ऑफ कोर्स, यू आर राइट, माय मिस्टेक। ये रहे और 50, पूरे 1। डोंट वरी, जब तक आप नहीं कहोगे मैं इस न्यूज को गर्म ही रखूंगी। थैंक यू वेरी मच। Sad.
वेरी सैड। देखा पटेल साहब, आपकी गलती ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरी पत्नी ने जब मुझे भारत लौटने से रोकने की कोशिश की तो मैं समझता था कि वो गलत, मैं सही हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो सही थी, मैं गलत। हां, मैं ये मानता हूं कि मैं अपनी पत्नी के विरोध के बावजूद हिंदुस्तान से, भारत से रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। हां, मैं ये मानता हूं कि मैं मेरी और मेरे परिवार की जमीन पर, खुद की जमीन पर एक विश्वविद्यालय बनाने की, एक हॉस्पिटल बनवाने की, एक विशाल मंदिर बनवाने का सपना देखने की गलती मैं कर रहा हूं। और आज मैं यह भी मानता हूं कि इंग्लैंड में अपना सब कुछ उजाड़ कर यहां भारत के विकास में भागीदार बनने का सपना देखने की गलती भी मैं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं गलती। लेकिन अगर मेरी इस भावना को तुम गलती समझते हो ना भान, तो आज मेरी एक बात सुनो और जरा अच्छे से समझो। मैं और मेरे जैसे करोड़ों एनआरआईज जो इस मुल्क से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन इस देश की पावन धरती की, मिट्टी की, जमीन की पूजा करते हैं। अगर ये गौरवशाली गलती है तो ये गलती एक बार नहीं, बार बार करेंगे। एक गलती हजार बार करेंगे हम भान, हजार बार करेंगे भान, हजार बार करेंगे। देखना तुम, देखना। If you say so. मैं इस समय पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर खड़ी हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने आप को यूरोप का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बताने वाला ये दहेज का लोभी अपराधी बस कुछ ही देर में कोर्ट के बाहर होगा। आशीष भाग, मुझे छोड़, विजुल का वक़्त। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरी हथकड़ियाँ खोल दीजिए। देखिए, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, ये खोल दीजिए प्लीज। चलो चलो, आजा चलो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। चलो, आप इस तरह मेरी तस्वीरें मत खींचिए प्लीज। देखिए, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मुझे इस देश से बहुत प्यार है। आप चाहे तो आप मेरी बहू से पूछ सकते हैं, मैंने कोई दहेज नहीं लिया है, वाकई मैंने कोई दहेज। वो देखिए मेरी गाड़ी है, 2 करोड़ की है, 2 करोड़ रुपए की है। तो क्या 10 लाख के लिए मैं ऐसी घिनौनी हरकत करूंगा? ना ना ना, प्लीज आप मेरी तस्वीरें मत कीजिए। यूरोप में, इंग्लैंड में लोग देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो सब कुछ है मेरा, मैं तो यहाँ अपने देश में मिट्टी खींच लाई थी मुझे, यहाँ की खुशबू। Yeah.